अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट आचर सर्विस में ये क्वेश्चन आंसर करने लगी हूँ सारी खातन का जो मेरे पास आके कहती है स्पेशली 40 और 40 से अबव के डॉक्टर साहर हम इंटरमीडियंट फास्टिंग स्टार्ट कर देंगे वन नीलर डे स्टार्ट कर देंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में ताकत कैसे रह जाएगी हम बीमार नहीं हो जाएंगी हमें न्यूट्रेंट्स की कमी नहीं हो जाएगी हमारी इम्यूनिटी कम नहीं हो जाएगी तो मैं उस सबका आपको जवाब देने लगी हूँ सबसे पहला गोल आपके हार्मोस नॉर्मल करने के लिए आपकी हार्मोनल बैली जो है उसको कम करने के लिए आपका आ, आ, फैट बर्निंग जो प्रोसेस है बायोमेडिकल प्रोसेस है जिसमें उसको स्पीड अप करने के लिए जो हम अचीव करना चाह रहे हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग से वो है आपके पास इंसुलिन कम करना बॉडी का सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन जो है वो इंसुलिन होता है और इंसुलिन कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाती होती थी एक बड़े बहुत रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में मैं कहती होती थी जब भी मैं इंसुलिन का नाम लूँ आपके माइंड में दो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए एक एनाबॉलिक और एक हाइपोग्लाइसीमिक एनाबॉलिक का मतलब है मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देती हूँ कि ये चीज़ों को बनाता है और हाइपोग्लाइसीमिक का मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज को ये नीचे लेके जाएगा अब किस किस चीज़ को बनाता है ये फैट को भी बनाता है चर्बी को भी बनाता है आपके पास ग्लूकोज सिंथिस जो है ग्लूकोज को भी ये सिंथिस जो है इंक्रीज़ करता है और जब अगर आप इंसुलिन को नीचे लेके जाएंगे इसका मतलब है कि आप चर्बी बनने की तरफ नहीं जाएंगे जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लाइपोजेनेसिस कहा जाता है आप लाइपोलिसिस की तरफ जाएंगे चर्बी नीचे ले जाने की तरफ जाएंगे इंसुलिन नीचे जाने से आपके चार हार्मोन ऊपर जाते हैं जो कि आपको मीनोपॉज में हेल्प करते हैं आपके हार्मोस नॉर्मल होने में हेल्प करते हैं आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं आपकी डाइजेशन बूस्ट करने में हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और वो है सबसे पहले जी आपका थायरॉइड हार्मोन अगर आपका थायरॉइड हार्मोन नीचे था थायरॉइड हार्मोन के नीचे जाने से आपका मेटाबॉलिज्म भी नीचे होगा आपकी इम्यूनिटी भी नीचे होगी आपका डाइजेशन प्रोसेस भी खराब होगा आपकी फर्टिलिटी भी खराब होगी इवन की आपकी सेक्सुअल एपिटाइट आपका लिबिडो भी कम होगा जो कि ऑलरेडी मीनोपॉज की वजह से हो रहा था तो जब इंसुलिन नीचे जाएगा थायराइड ऊपर जाएगा ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी सेकेंड चीज़ इसलिए जो मेरी क्लाइंट्स होती हैं जिनकी मैं फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स करती हूँ या जो कंसीव करना चाहती हैं तो उनको मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग और कीटो डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी हर एक का डिफरेंट प्लान होता है और इस वजह से माशाल्लाह मेरे पास तो जो भी क्लाइंट आती हैं वो आ, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो दो तीन चार महीने में कंसीव कर जाती हैं बिकॉज आपके पास इंसुलिन लेवल्स नीचे जाते हैं तो आपके पास फर्टिलिटी ऊपर जाती है आ, दूसरा हार्मोन जो आपके पास ऊपर जाएगा इंसुलिन का जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है यानी इंसुलिन का जो अपोजिट हार्मोन होता है उसको ग्लूकागन कहते हैं अगर इंसुलिन चर्बी बनाता है ग्लूका चर्बी तोड़ता है इंसुलिन अगर आपके पास ग्लूकोज बनाता है को यूटिलाइज करवाता है तो यहां से भी आपको फायदा होगा तीसरा हार्मोन जब इंसुलिन आपके पास नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगा वो होगा आपके पास अद्रेनलीन। अद्रेनलीन अगर आपके पास सही सिक्रीट होगा आपके एडिनल ग्लैंड से वो ग्लैंड जो आपका स्ट्रेस रेगुलेट करते हैं तो यू विल बी एबल टू डील विद दिस स्ट्रेस सिचुएशन बेटर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि जो आपकी बॉडी है वो मीनोपॉस को स्ट्रेस सिचुएशन समझती है अगर आपकी बॉडी में एडोनिन बेटर होगा आप इस सिचुएशन को बेटर डील करेंगे चौथा हार्मोन जो आपके पास ऊपर जाएगा खूबसूरत हार्मोन जो जवानी का हार्मोन होता है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन अगर ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में मोस्टली तब से होता है जब आप रात को सो रहे हो जब आपकी बॉडी में मीनोपॉस का स्ट्रेस होता है या फॉर एनी अदर रीजन कोई भी स्ट्रेस होता है रात को आपकी नींद ठीक नहीं होती है तो आपके काटेसोल लेवल्स जो है स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स वो गैर जरूरी तौर पर ऊपर होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन नीचे जाना शुरू हो जाता है नींद भी अफेक्ट होती है और ग्रोथ हार्मोन भी आपकी बॉडी में पॉजिटिव मसल सिंथेसिस करता है यानी स्ट्रेस हार्मोन के ऊपर जाने से मसल्स में जो प्रोटीलिस होती है, जिन लोगों के जिसमें स्ट्रेस हार्मोन ऊपर हो ना उनकी बाजू और टांगे बहुत पतले होते हैं जैसे मसल ब्रेकडाउन उनका हो रहा होता है तो जब ग्रोथ हार्मोन आपका ऊपर जाएगा इंसुलिन के नीचे जाने से तो आपका स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाए जाएगा और आपके मसल में अगेन पॉजिटिव सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होगी और ग्रोथ हार्मोन आपका वो हार्मोन है जिससे ज़्यादा एजिंग अफेक्ट किसी हार्मोन में है ही नहीं तो अब मुझे बताइए ये सारी खवातन के क्या ये सारी चीज़ें करके इंटरमीडियंट फास्टिंग करके हेल्दी कीटो करके मीनोपॉस के दौरान आपकी बॉडी की एनर्जी नीचे गई या बॉडी की एनर्जी ऊपर गई इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड हॉलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने पूरे पाकिस्तान हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मेरी ब्रांड का जो लिंक है डब्ल्यूब्ल्यू डब्ल्यू चावला डॉट कॉम यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है येलो पट्टी में देख रही है वहाँ आ सकते हैं जो फेसबुक वाली ऑडियंस है इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक दिया हुआ है वहां से आप जाएं और हर एक के इस्तेमाल के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा ऐसी वीडियो अला हाफ